नमस्कार, आज तक डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ प्रीमा। बहुत प्यारे ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने हमें इतने लंबे टाइम से एंटरटेन किया है, और ना वो थक रहे हैं ना उनके ऑडियंस थक रहे हैं। दोनों तरफ से प्यार है बेशुमार, और उन्हें आप जब भी देखें पहले आपको बोलना पड़ता है जैसी जैसी कोई नहीं। हम बात कर रहे हैं द ग्रेट एवर एंटरटेनमेंट क्वीन, टीवी फिल्म्स हर जगह वो छा गई है, मोना सिंह। मोना, वेलकम टू द शो एंड हाउ आर यू डूइंग? I am so good and thank you for such a beautiful introduction, Reema. I am so good. मोना, आई लाइक पर्सनली, अगर मैं कुछ ऐसे चेहरों की बात करूं जिन्हें हमने टीवी से लेकर फिल्म की जर्नी करते हुए देखा है और इतना मेटिकुलसली उन्होंने अपना काम किया, बट द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज कि अभी भी उन्होंने न सिर्फ अपने क्राफ्ट की रेलेवेंस को समझा हुआ है, बल्कि ऑडियंस की वाइब के साथ इतना मैच किया है कि यू नो देयर ऑलवेज देयर। और फर्स्टली ह्यूज कांग्रेचुलेशंस फॉर सुपर सक्सेस ऑफ योर फिल्म मुंजिया। आप दिल्ली में आई थी और हमने आपको मिस किया। हाँ, आई वाज नॉट देयर, मैं शूट कर रही थी उस दिन। आपका हर कैरेक्टर भी अपनी स्पेस को बहुत अच्छे से ऑथेंटिकेट करता है, द सेम गोज विद यू नो मम्मी जी ऑफ मुंजिया। और लेकिन बहुत कमाल का कैरेक्टर मोना, क्योंकि बहुत सारे उसमें चैलेंजेस हैं एज अ वर्किंग वुमेन, एक सिंगल मदर के तौर पे भी उसमें आपका कैरेक्टर है। कुछ ऐसा चल रहा है जो नेचुरल सुपर नेचुरल है, उसके बीच भी आपका एक स्ट्रगल है, कॉमेडी है, आपका टच है। तो टेल अस फर्स्टली हाउ इट वाज, और जब ये कैरेक्टर आपको मिला, इट वाज रेड टू यू, हाउ लाइक यू टुक इट, और आपको लगा कि मुंजिया वुड बी दिस बिग सक्सेस? जी ऑब्वियसली, मुझे 100% ये तो पता था दैट द मूवी इज वेरी वेरी डिफरेंट, क्योंकि ऐसे फोकलोर्स पे यू नो बहुत कम मूवीज बनती हैं जो कमर्शियल मूवीज हो, हिंदी मूवीज हो। तो मुझे बहुत खुशी थी ये जानकर कि अच्छा ऐसा एक फोकलोर है और इसका यू नो मैं एक हिस्सा बनने वाली हूँ। एंड लेट्स यू नो एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड जिसमें फर्स्ट टाइम CGI कैरेक्टर होगा, यू नो, एंड वेरी वेल रिटन स्क्रिप्ट। तो एंड ऑलमोस्ट वर्किंग विद यू नो ऑलमोस्ट फ्रेश फेसेस जिन्होंने अभी तक ज्यादा काम इतना किया नहीं इंडस्ट्री में, यू नो शर्वरी, अभय, तरन की फर्स्ट फिल्म है, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड। तो लेकिन बाद में एज वी स्टार्टेड शूटिंग, यू नो वो कैरेक्टर का भी इतना कॉमिक टाइमिंग है पम्मी का दैट आई हैव नेवर डन हार्ड कोर कॉमेडी एज सच। तो शूटिंग करते वक्त मतलब खुद भी हंसी आ रही थी, मजे भी आ रहे थे, और काम करने में भी यू नो इट वाज जस्ट अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। वी वर शूटिंग इन कोंकण, तो बहुत ही पिक्चरिस्टिक यू नो ब्यूटीफुल जगह है। एक तो लोकेशन चेंज हो गया बॉम्बे से बाहर, एवरीथिंग जस्ट फेल इनटू प्लेस, एंड द फैक्ट दैट इट इज डूइंग सो वेल, मुझे इतनी खुशी है इस बात की कि बच्चों को पसंद आ रही है। और जो चीज़ ना हमेशा जब बच्चों को पसंद आती है तो पूरी फैमिली, पूरा परिवार साथ में जाता है। So this movie has become like a big, big entertainer with family, with kids, and with college-going students. So unprecedented fun and success in this movie. Absolutely, and especially these days when we see कि अभी OTT पर मैं सारा तो नहीं कहूँगी, लेकिन काफी content ऐसा है कि आपको ये सोचना पड़ता है what to watch, what not to watch with family. And similarly, theater में या तो कुछ कभी बहुत dense है, dark है। फैमिली एंटरटेनमेंट की जब हम बात करते हैं, यू नो ऑफ लेट वी हार्डली हैव सच चॉइसेस कि हम लोग बस बिना सोचे समझे रैंडमली वी प्लान दैट वी नीड टू गो आउट विद द फैमिली एंड टू वॉच दिस। सो आई थिंक मुंजिया हैज फिल्ड दैट ग्लैंड। मुंजिया एग्जैक्टली, एंड आई थिंक द लास्ट मूवी व्हिच एक्चुअली डिड वेल इन द थिएटर्स वाज 12th पास, मतलब लापता लेडीज शायद इतनी थिएटर्स में ना चली हो, OTT में ज्यादा चल रही है। But these, I think, were two the last were last two films that were really spoken about. Exactly. Mona, आपकी journey जो है वो बहुत inspiring रही है, और I think आप ऐसे actors, ऐसे artists के एक example हैं जिन्होंने समझा है कि you know timely changes adapt करना और अपनी relevance बना के रखना is this is something which is a craft. क्योंकि like personally what I feel बहुत सारे लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, and they're fighting against that odds जो शायद exist ही नहीं करते हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, यू नो बिकॉज बहुत कम ऐसे नाम है जिन्हें हम देख रहे हैं कि इतनी लंबी उन्होंने अपनी जर्नी रखी, बट उनका जो एक यू नो एंकर द वे दे हैव एंकर्ड द ऑडियंस व्हिच इज लाइक वेरी रेयर। सी आई हैव ऑलवेज कम फ्रॉम द स्कूल ऑफ यू नो
कमिंग फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड फर्स्ट, यू नो आई थिंक हम जो आर्मी किड्स होते हैं ना, वो अडेप्ट बहुत जल्दी कर जाते हैं इन एनी सिचुएशन. वी आर ऑल्सो वेरी हेड स्ट्रॉन्ग, रेजिलियंट, एंड आई हैव ऑल्सो बीन वेरी वेरी परसिस्टेंट. आई हैव पेशेंटली वेटेड इट आउट फॉर थिंग्स दैट यू नो आई वॉन्टेड टू डू. तो मैंने काफ़ी सारे शोज को, काफ़ी सारी मूवीज को मना भी किया है जहाँ पे मैं एज एन एक्टर, यू नो, मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी. तो मैंने बहुत पेशेंटली वेट भी किया है. सो नाउ द यू नो सक्सेस एंड द लव एंड अप्रिसिएशन दैट आई एम विटनेसिंग इज सच अ ब्यूटिफुल फेज. आई फील सो सेटिस्फाइड एंड हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि अब सिर्फ बच्चे मेरे पास ये आके नहीं बोलते कि यू नो मेरी दादी एंड माई मम्मी लव्स यू फ्रॉम जस्सी डेज, बट इट इज द किड्स हु से दैट वी लव यू. आप बिल्कुल, दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट यू. तो कभी आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि मैंने मेरे लिए जो पावर टू से नो है, बहुत कम एक्टर्स जो हैं इसको एक्सेप्ट कर पाते हैं या फिर बोल पाते हैं टू मेक वेरी स्ट्रॉन्ग चॉइसेस. तो कभी आपको ऐसा लगा किसी भी पॉइंट पे कि वो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, आप अगर किसी को नो बोलेंगी तो कहीं आप होता है ना कि आप किसी प्रोडक्शन हाउस या डायरेक्टर की गुड बुक से बाहर चले जाएं, क्या कभी इस तरीके से आपको लगा? जो जनरली लोगों को लगता है उसके इनसिक्योरिटी के चलते वो ऐसे ऐसे रोल पिक करते हैं जो उन्हें सूट तो नहीं ही करते, उनके लिए डिजास्टर ज्यादा बन जाते हैं. हाँ देखिए, मैंने ना यही वाला प्रेशर कभी जिंदगी में नहीं लिया. मैं ना तो कभी किसी को, कोई इंडस्ट्री में किसी को जानती थी, ना मेरा कोई गॉडफादर है, ना किसी के साथ कोई ऑब्लिगेशन है. वट एवर आई एम टूडे आई हैव अचीव्ड ऑन माई ओन. So and that has been because of my choices, you know, because of saying yes to some people and no to a lot of people. So that is why here I am today. तो मुझे, मैंने कभी कोई अननेसेसरी प्रेशर नहीं लिया कि अगर मैं मना करूँगा फिर क्या होगा, क्योंकि अगर ये बैगेज लेके चलो तो फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, यू नो. I've just been very very free and very very open in you know making my decisions. Exactly. मोना, आपका जो एक्सपीरियंस है, अक्सर हम बात करते हैं इतने साल के बाद बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, आप उस चेंजेस को जो है यू फाइंड वेरी हार्ड टू अडैप्ट, न सिर्फ अडैप्ट करके दिखाया है, बड़ी इजीली आप फिटिंग हो गई है रोल की बात करें. अभी जैसे आप मुंडिया की ही आपने बात करी, आपने बताया दैट यू नो इट वाज सो वंडरफुल टू वर्क विद पीपल हु आर कंपैरेटिवली न्यू टू द इंडस्ट्री, बट मैंने जब उनसे बात करी दिल्ली में, वो आए थे, बड़े मस्त है सबके साथ, तो उन्होंने बताया कि आपके साथ काम करना कितना जबरदस्त था और बड़े अच्छे एक्सपीरियंस उनके शेयर कर रहे थे. तो इस बैलेंस को मेंटेन करना एंड नॉट टू फील इनसिक्योर अबाउट योर पोजिशन विद चेंजिंग टाइम, ये भी सबसे बड़ी बात नहीं है. तो हाउ यू मेंटेन दैट? I don't know. I think it is just my conditioning. It is just the way I am as a person. Otherwise, इंडस्ट्री में आप रेलेवेंट कैसे रहेंगे? अगर आप यही सोचें हर वक्त कि नहीं, मैंने तो एज अ प्रोटैगनिस्ट शुरू किया था माय करियर, तो मैं तो सिर्फ प्रोटैगनिस्ट ही करूंगी वरना नहीं करूंगी. यू हैव टू चेंज विद टाइम्स, यू हैव टू अडैप्ट विद टाइम्स. यू नो नाउडेज इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ प्रोटैगनिस्ट, बट इट इज अबाउट द कैरेक्टर, इट इज अबाउट द एंसेंबल कास्ट. तो मुझे ये बात समझ में आ गई थी बहुत जल्द इन माई लाइफ कि मतलब यू नो यू हैव टू कीप चेंजिंग विद टाइम, यू हैव टू कीप अडैप्टिंग टू स्टे रेलिवेंट. तो हम तो वहीं अर्ली 2000s के होते और वहीं रह जाना था पीछे. सो हीरो हीरोइन वाला जो आई थिंक वो जो एक हीरो हीरोइन वाली कंडीशनिंग जब हो जाती है ना, तब शायद जो करियर है आप बहुत शॉर्ट लिव्ड हो रहे हैं. और वही मुझे नहीं चाहिए था. यू सी, मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ एक्टिंग करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए और अपना टैलेंट दिखाने के लिए. तो मुझे बस यही लगता है टू बिकम अ बेटर पर्सन, टू इवॉल्व एज अ बेटर एक्टर, वन हैज टू अडैप्ट टू स्टे रेलेवेंट, वरना क्या रह जाएगा? 90s के हम 90s में घुस जाएंगे. एग्जैक्टली. नहीं, 90s से अभी तक आ गई है ये पूरी. आई मीन फॉर मी यू आर ऑलवेज अ पूरी मोना एंड यू विल ऑलवेज बी. मोना, मैं उनसे ये भी पूछ रही थी कि क्या आपका सेट पे कुछ इंग्लिश एक्सपीरियंस हुआ? तो सेट पे तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बताया कि हाँ, मतलब एंड देन आई वाज आस्किंग ठीक है, लाइफ में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ विच यू कैन कनेक्ट विद यू नो सच अ स्टोरी. तो हालांकि आदित्य ने बताया और चरण जोत ने बताया उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था लाइफ में, तो आपके साथ क्या कभी कुछ ऐसा हुआ विच यू लाइक टू शेयर विद अस? एक तो इंसिडेंट हुआ था जो मैंने हर इंटरव्यू में बोला था बिफोर द मूवी रिलीज. जब हम पूना में रहते थे तो
एक ब्रिज है यहाँ पे, बन गार्डन ब्रिज, तो वो मैं रात को क्रॉस कर रही थी ऑन माई बाइक, एंड ब्रिज की बिगिनिंग में देर वॉज दिस लेडी आस्किंग फॉर अ लिफ्ट, यू नो. तो ऑब्वियसली मैं नहीं रुकी क्योंकि रात के 11 बज गए थे, बट द मिनट आई क्रॉस द ब्रिज द सेम लेडी वॉज आस्किंग फॉर अ लिफ्ट, एंड आई वॉज ब्लोन. माई आई आई डिडंट नो व्हाट टू डू, ब्रो ना डर गई मैं, बस भगवान का नाम लेते लेते मैं पता नहीं कैसे तो घर पहुंची हूँ. एंड द मिनट आई गॉट होम आई 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 टोल्ड माई पेरेंट्स, आई टोल्ड माई सिस्टर, माई मदर, एंड दे वर लाइक ओ माई गॉड, यू नो, जस्ट थ्रो ऑल योर क्लोथ्स आउटसाइड, गो फॉर अ शावर एंड डोंट टॉक अबाउट इट, एंड यू नो तेरी नजर निकाल के फिर सोएंगे. सो यू नो दीज जी हैपन, एंड आई एक्सपीरियंस समथिंग एज वियर्ड एज दैट. अभी हम देख रहे हैं कि हॉरर मूवीज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी काफी बदल गया है. यू नो इट्स हाँ नॉट अ टिपिकल काइंड ऑफ आई वोंट से एनी प्रोडक्शन हाउस सीरियसली हम जिनकी हॉरर फिल्म देखते आए हैं, लेकिन वैसा अब लोगों को नहीं चाहिए. तो दिस चेंजिंग फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, हाउ चैलेंजिंग और हाउ आई थिंक इंटरेस्टिंग इट बिकम्स फॉर एन एक्टर. द स्टोरीज आर सेम, आपको सुनानी, और जैसे भ्रमर राक्षस की कहानी है, हम लोग देखते हैं कि कितने कितने सेंचुरी से है, लेकिन बहुत एग्जैक्ट फ्रेश तरीके से सुनाई गई मुंजे आने, हाँ और इसकी लोगों ने इतने अच्छे से कनेक्ट किया. तो एज एन एक्टर हाउ रिफ्रेशिंग, इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग इट इज फॉर यू व्हेन द सेम स्टोरी इज बीइंग टोल्ड इन अ वेरी डिफरेंट मैनर. यू सी सारी स्टोरीज लाइक यू सेड रीमा सब हो चुकी हैं, आप उसको कितने नई तरीके से बनाएं, क्या न्यूनेस उसमें लाएं, दैट्स द चैलेंज. तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी जब हम मूवी देख रहे थे स्क्रीनिंग वाले दिन, तो वो बोलता है मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, तो वो अज्जी बोलती है नहीं तो ब्रह्म राक्षस नहीं तो एक छोटा सा बच्चा है, और उसको डंडे से मारती है, यू नो बिंदु सा बच्चा, बिंदु बिकॉज सा बच्चा. तू बच्चा है. सो इट वाज सो न्यू, इट वाज सो न्यू फॉर ऑल ऑफ अस, यू नो, एज एज अ व्यू एक्टर. तो मुझे बहुत मजा आ रहा था, यू नो, मूवी देखते हुए हर कोई थिएटर में हंस रहा था. आजकल ऐसे एक्सपीरियंसेस कहाँ मिलते हैं हमको कि थिएटर कोई, यू नो, एक साथ सीटी बजाए, ताली बजाए, हंसे आपके साथ. बिकॉज इफ यू टॉक हॉरर मूवीज, तो उसके लिए जो आपके ऑडियंस है वो थोड़े रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं. लाइक फॉर अ पर्सन, आई वुडन्ट वॉन्ट टू गो टू अ थिएटर टू जस्ट वॉच अ हॉरर फिल्म. आई आई कैन नॉट, यू नो, इट टेक्स अवे माई पीस ऑफ माइंड. बट जब हॉरर कॉमेडी का यूनिवर्स आप बोलो तो मैडॉक इज द बेस्ट इन इट. स्त्री कितनी अच्छी आई है, कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, एंड यू नो स्टिल गार्निंग नंबर्स. तो आई एम so happy about the fact that it was very well written with great new fresh faces, introductions of fresh faces, and you know maintaining a rhythm of the film to keep the audience intrigued and entertained. And for me, Definitely. बन रहे हैं साला मादर नंदन, साला मादर नंदन. अच्छा, ये आपने आपने ये जो शुद्ध शुद्ध शब्द थे, ये इनको इम्प्रोवाइज किया था कि आपको लिख करके दिए गए थे, मतलब कि आपने खुद से इम्प्रोवाइज किया था. ये सब हमारी स्क्रिप्ट में लिखे हुए आए थे कि ये मादर नंदन गाली है, ये बच्चों की गाली आपको देनी है. तो मैंने कहा ठीक है, ये बच्चों की गाली है तो हम देंगे. तो आई वॉज एक्सपेरिमेंटिंग. मैंने खुद कभी, यू नो, कोंकण में ऐसी लैंग्वेजेस नहीं सुनी थी. आई हैड नेवर ट्रैवल्ड बिफोर, तो वहाँ के, यू नो, लोकल लिंगो पकड़ना, अडेप्ट करना, इट वॉज अ लॉट ऑफ फन, इट वॉज अ लॉट ऑफ फन. And what is the fitness mantra of Mona? Because Mona like looks the same. So what is that, Mona? I mean, apart from your glow, what is your fitness mantra for so long? नो आई यू नो फॉर्चुनेटली रीमा, आई थिंक अब मैं ना वो यो-यो वाली डाइट नहीं करूंगी. आई हैव प्रॉमिस्ड माई सेल्फ टू रिमेन फिट एंड टू मेंटेन दिस वेट. नहीं तो मैं बहुत यो-यो टाइप की पर्सन थी. जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म होता था, आई यूज टू गो ऑन अ वेकेशन, स्टार्ट ईटिंग, नॉट लुक आफ्टर माई सेल्फ, पुट ऑन वेट, कम बैक, देन यू नो आई यूज टू गो बैक टू द जिम अगेन. सो दैट इज नॉट राइट, यू नो, दैट्स नॉट राइट इन द लॉन्ग रन. तो नाउ आई प्रोमिस माई सेल्फ, तो मैं योगा प्रैक्टिस करती हूँ, मैं माइंडफुल ईटिंग करती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, और आज ऑल्सो वर्ल्ड योगा डे है, विच इज सो गुड फॉर एवरीबडी टू प्रैक्टिस, एंड स्पेशली वुमेन. सो आई हैव सीन दिस होल पॉजिटिव चेंज इन मी एज अ पर्सन एंड इन माई बॉडी. तो बस योगा से ही होगा. योगा से ही होगा. देख रहे हैं हम, होता हुआ देख रहे हैं हम, यू नो, हम लोग उसको देख रहे हैं, मोना से ही में पर्सोनिफाई.
लास्टली मोना, आई वुड लाइक टू नो दैट आपने टीवी में जब काम किया, देन एवरीथिंग वाज ऑन इट्स पीक, टीवी की पॉपुलैरिटी, स्टोरीज, यू नो, फैमिली बॉन्डिंग, द काइंड ऑफ कैरेक्टर्स यू डिड, इट वाज लाइक ऑल वर्ल्ड लीड एंड सुपर डुपर हिट कैरेक्टर्स, सो मच सो कि आज तक लोगों के दिमाग में वो बहुत डीपली है. अभी ओटीटी है, टीवी है, और लकीली आपने उन सब मीडियम्स में भी अपना दी बेस्ट किया है एंड इट्स बीन सक्सेसफुल. टीवी एवर थिंग कि अगर टीवी से फिर से कोई अच्छा ऑफर आता है, या फिर आपको ये भी लगता है, जो मुझे लगता है पर्सनली, कि हमारे टीवी को, हमारी स्टोरीज को बदलने की बहुत जरूरत है, व्हाट्स योर वेरी ऑनेस्ट टेक ऑन दैट? ऑफ कोर्स, लाइक यू सेड, हमारी स्टोरीज को बदलना बहुत जरूरी है. टीवी प्रोग्रेसिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी, हमारे समाज को रिफ्लेक्ट करता है. मैं पता नहीं कहाँ थी, आई आई थिंक आई वाज एट अ फ्रेंड्स प्लेस, और उनकी मम्मी टीवी देख रही थी, एंड आई जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड कि ये क्या चल रहा है. एक सिस्टर ही अपनी सिस्टर की दुश्मन बनी हुई है. एग्जैक्टली, सब सारी बहन के सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ कॉल कर रहे हैं. हम कैसे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हमारी सोसाइटी के लिए, ये कैसे हो सकता है. एंड देन देयर वाज अनदर सीरियल जहाँ पे एन ओल्ड लेडी इज ट्राइंग टू किल अ चाइल्ड. आई डू नॉट अंडरस्टैंड वॉट इज गोइंग ऑन. सो यस, टीवी नीड्स अ वेरी वेरी बिग शेक एंड शिफ्ट. यू यू सी, जब मैं टीवी कर रही थी, मैंने कोई ऐसा रिग्रेसिव शो का हिस्सा मैं कभी नहीं बनी. एंड एंड ऑफर हो भी रहे थे, आई यूज टू हैपली एंड ग्लैडली से नो एंड नेवर रिग्रेट द फैक्ट कि मुझे उतने पैसे शायद नहीं मिलेंगे, आई एम मिसिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग मनी. इट वॉज नेवर अबाउट मनी. यू नो, आई कम फ्रॉम द स्कूल ऑफ थॉट दैट वेन यू डू गुड वर्क, मनी विल ऑलवेज फॉलो. सो यस, हमारे टीवी को एक बहुत बड़ा झटका चाहिए. एग्जैक्टली, बिल्कुल, और वो जरूर मुझे लगता है होपफुली मिलेगा. और मोना, ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे बहुत बहुत लंबी बात करूं, एंड फॉर दैट वी विल डेफिनेटली वेट फॉर यू इन दिल्ली टू हैव यू एट आवर स्टूडियोज, और जहाँ पे हम लोग लंबी बात करें. अभी मुझे पता है कि अभी आपके बहुत सारे इंटरव्यूज लाइंड अप है, तो इसलिए मुझे आपको भारी दिल से बाय कहना पड़ा है. बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू इन पर्सन मोना, और हम लोग अभी बहुत सारी बातें करेंगे. तो best once again, and we are really looking forward to see you in different colors of different roles. Thank you so very much for connecting to us, Mona. Thank you for your time.